ओके सो अभी क्या है कि बुक का नाम है द एज अ मैन थिंग बाय जेम्स एलन एंड देर ट्राई टू डिवाइड द बुक इनटू सिक्स सेगमेंट्स राइट एंड आई विल शेयर द स्क्रीन ताकि हम वाइट बोर्ड पे बातचीत कर सकें सो द बुक इज बेसिकली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग योर ओन थॉट एंड थार राइट वो ये कहता है कि इंसान जो होता है वो सोचता है जिंदगी में बहुत कुछ उसका बेसिस होता है दो चीज़ों पे कि उसकी थॉट्स क्या हैं और उसका करेक्टर क्या है राइट सो so जब हम थॉट की बात करते हैं तो इंटेंशन गई राइट जैसे यू नो कुरान की हदीबी नो you know, के अमाल का दारो नियत पर है राइट सो द एक्शन आर स्प्राउट ऑफ द थाट प्रोसेस अब आज की तारीख में रेडार नहीं आया हो सकता है कल मेडिकल साइंस इसको इन्वेंट कर ले

लोग खुश होते हैं आपकी प्रॉब्लम से राइट सो देर मैनी जरिए आपको पता नहीं चलता टाइम पीपल हु पीपल हुन आर वेरी स्वीट तो आपको लाइफ में जब हमने लास्ट बुक पढ़ी थी रिलेशनशिप थाट्स की तो उसमें बहुत साइकोलॉजिकली बताया था कि यू हैव टू कैच द बॉडी लैंग्वेज बहुत इंसान जो है वो नॉर्मली जो बोलता है वो कर नहीं रहा होता राइट right? एंड इन 2024 वी ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइक दैट हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है ठीक है तो थॉट्स जो होती है ना वो स्प्राउट होती है कि इंसान एक्शन क्या लेगा ये बात आज साइंस अच्छा प्रूफ कर रहा है बट लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट हु वांट्स टू कम्युनिकेट दैट मुनीरा सचवानी कितने हद तक ट्रू है ये बात हमारी थॉट्स पीसफुल होते हैं बाहर से वो पीसफुल मेंटली होते हैं उनके थॉट्स बहुत सेटल्ड इन होते हैं सिंकटन होते हैं इसलिए शायद आउटकम भी बहुत पीसफुल लगता है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज योर हैंड राइट तो इसका मतलब है कि वो जो कहावत है सेड या यू नो लोग कहते हैं इस बारे में कि आधी जंग इंसान के अपने अंदर होती है यू नो इफ यू हैव कॉन्ड योर मेंटल थॉट्स आप बाहर की दुनिया को जीत लेते हो राइट बट बहुत दफा क्या होता है एंड आई थिंक इन द लास्ट सेशन वी अबाउट के दो तरह की चीजें रोकती हैं आपको एक बाहर वाले एक्सटर्नल फोर्सेज रोकती है

सो so, क्या हुआ कि हम लोग अपने गालिब का शेर है ना खुद ही के दुश्मन बने हुए हैं जमाने का मुझे डर नहीं राइट तो हमारे थॉट्स जो है ना वो बेसिक हिंड्रेंस है या ऑब्स्टिकल है जो आपको एक्शन नहीं लेने देते तो आज की जो बुक है ना दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन और हम लोग जो बुक की बात करते हो तो हम लोग इसको लाइव स्ट्रीम करते हैं राइट वी डोंट बुकिश वी डिस्कस इट कि क्या चीजें लॉजिकली हो रही है नहीं हो रही है एंड देन वी हैव 200 प्लस सीनियर जो उसमें अपना थॉट डालते हैं और एक्सपीरियंस डालते हैं तो ये बात तो समझ आ गई कि जिसने अपनी थॉट को मास्टर कर लिया उसने अपनी बॉडी पे मास्टर कर लिया और उसने अपनी लाइफ की डेस्टिनी पे मास्टर कर लिया क्या मैं ये कहूंगा ये बात सही है बुक है कि थॉट को कैसे मास्टर किया जाए ठीक है अब इसके बारे में बिफोर वी डाइव इन द बुक लेट्स गेट एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो हमारे साथ हमारे लोग हैं ये

और जो मैनेज कर लेते हैं दे आर द वन ऑफ द टफेस्ट वन राइट और हमने जितने भी हमने लास्ट टाइम बात की थी क्यों दुनिया ने आईक्यू को रिप्लेस कर दिया है ईक्यू से राइट आईक्यू वाज इंटेलिजेंट क्वेस्ट राइट कौन कितना इंटेलिजेंट एंड द फोकस ऑफ ऑल द करिकुलम वाज कितना मेमोरी पावर रट ऑफिकेशनस एंड ऑल दैट राइट जो वे बैक कंट्रीज या आज भी होता है हर जगह पे राइट इवन इन यूएस एंड कैनेडियन करिकुलम सिंगापुर का मिनिस्टर ऑफ़ एजुकेशन की एक स्पीच आई लास्ट मंथ एंड ही वो के दुनिया में एआई सारी की सारी आईक्यू की चीज़ें खत्म कर रही है एंड इफ़ वी डोंट गेट अ करिकुलम चेंजेस एवरी थ्री मंथ्स सिंगापुर जो के वर्ल्ड टॉप थ्री कंट्रीज में आता है ड्यू टू द एजुकेशनल स्टैंडर्ड वो सिंक हो जाएगा लोग जॉबलेस हो जाएंगे तो आज ये बात समझ में आ रही है कि नॉलेज इज रियली दावर एक जमाने में जो स्कूल की बुक्स में लिखा हुआ होता था आज वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया यू नो वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम इन कोविड टू इयर्स बैक और आप फिफ्टी सिक्सटी सीनियर से बढ़ के यू नेशनल प्रोग्राम हुआ आज यंगस्टर्स आ रहे हैं सब आ रहे हैं बिकॉज पीपल आर सीकिंग नॉलेज जब हम बात कर रहे होते हैं आई लर्न सो मैनी थिंग्स आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो अब ऑर्गेनाइज अब देखो हो क्या रहा होता है हमारी थॉट्स ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं हमको था पता था बट जब हम था के बारे में बात करते हैं तो हमको एक वे या रोड मैप मिल जाता है चार ऑथर्स को पढ़ के ओ दैट्स द वेड वर्क राइट हमको कॉन्फिडेंस के बारे में पता था बट कॉन्फिडेंस के बारे में जब हम टू एंड फ्रो शेक करते हैं पच्चीस तेईस बुक्स को पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे लोगों की डिफरेंट लाइफ की सक्सेस स्टोरीज ले लेते हैं किसी की कोई हार्डशिप थी किसी की कोई हार्डशिप थी लास्ट टाइम किसी ने बोला वो कैंसर सर्वाइवल थे राइट right? दो तरह के लोग हैं किसी को आज डायबिटीज हो जाए उसके लिए जिंदगी खत्म हो जाती है बट विल पावर के लोग कैंसर से भी रिवर्स रहे हैं राइट सो अगेन लाइफ इज द डेस्टिन बाय गॉड बट जो इंसान के हाथ में है वो भी बहुत बड़ा पार्ट है तो कभी कभार लाइफ जब आपको गिरा देती है पैरों पे तो थॉट्स को सिंक करने का स्किल बहुत काम आता है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं राइट right? और आज हर बड़ा सीईओ फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनी का आपको बड़ी हैरत होगी जाप के कि वो अब दीपक चोपड़ा के सेशंस में जाओ कैलिफोर्निया में हर टॉप कंपनी का सीईओ मौजूद है यू नो दे गो टू वेस्ट दे गो टू ईस्ट चाइना जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्ग जाते हैं पीपल हु फॉलो रिलीजन दे डोंट फॉलो एट द एंड दे आर लुकिंग फॉर फॉर टूल्स एंड ट्रिक्स के मैं अपनी माइंड को शांत कर लूँ मैं अपने माइंड को असेंबल सो दैट्स द ट्रिक राइट और हो क्या रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एक जमाना था नॉलेज के लिए लाइब्रेरीज भागना पड़ता था बुक्स जला दी जाती थी लोग एक दूसरे को पकड़ते थे अब एवरीथिंग इज इन यूट्यूब गुड और बैड यू जस्ट हैव टू फाइंड कि आपको टाइप क्या करना है और आपको तो टाइप भी नहीं करना पड़ता ए आपको वही वीडियो दिखाते हैं जो आप देखते हो राइट यू लव खाना पकाना आपको वो वो दिखाएगा आपको कार्टून देखना है आपको वो वो दिखाएगा आपको ए देखना है स्टॉक ट्रेडिंग देखना है आपको वो वो दिखाएगा सो बॉटम लाइन इज संबडीज में व्हाइट बोर्ड है खेलना बंद करो ओके okay. सो so, अभी द ट्रिक इज कि आपको असेंबल करना आना चाहिए तो इस पर हमने लास्ट टाइम एक बात की थी जो ऑथर कह रहा है वन इज मेडिटेशन ठीक है ना मेडिटेशन में पीपल थिंग टेक द नेम ऑफ गॉड और यू नो एनी प्लॉट द पिक्चर एक मेडिटेशन ये भी है कि क्लोज योर आईज और कीप यू लाइक और अपने दिमाग को सुनो के चल के रहा है इफ़ यू आर रेस्ट लेस ट्राई टू गो टू द रूट कॉज ठीक है और जाके चेक करो कि ये रूट कॉज ने मुझे डिप्रेशन दिया हुआ है गुस्सा दिया हुआ है फियर दिया हुआ है और फियर ऑफ़ अनोन दिया हुआ है बहुत दफ़ा तो वो फियर ऑफ अन नोन किस चीज़ का है मसला है क्या राइट right? बहुत दफ़ा मेडिकल साइंस कहती है कि हाथ में पेन है तो हो सकता है हार्ट में पेन हो इसलिए हाथ में पेन हो रहा है बहुत दफ़ा पैर में दर्द हो रहा है तो हो सकता है एनीमिया हो गया ब्लड में मसला है पैर दबाने से सॉल्व नहीं होगा वाइटामिन बी टाने से सॉल्व होगा राइट तो बहुत दफा लाइफ में दिख को चरा होता है मगर तो रूट कॉज कहीं और होता है तो बनाने वाले ने फिजियोलॉजी भी ऐसी बनाई है बॉडी की और साइकोलॉजी भी ऐसी बनाई है माइंड की कि हमें ढूंढना कहीं पड़ता है और प्रॉब्लम कहीं होता है तो मेडिटेशन या अपने आपके साथ चुपचाप बैठना टेक अ कप ऑफ कॉफी एंड सिट इन द यार्ड गार्डन कहीं भी बैठ जाओ

और वो थॉट पकड़ने से समझ आएगा वाला रेस्टलेसनेस क्यों रही है कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं रेज जोहंस राइट सो राइट डाउन वन ऑफ द मेडिटेशन दैट वी लर्न टुडे इज टू फॉलो योर थॉट्स और अपना खुद ही का डॉक्टर बनके या यूनिवर्स डॉक्टर बनने में हेल्प देगी कि अपने आप को समझाना कि यार ये गुस्सा आ क्यों रहा है मुझे बार-बार यू नो मेनी पीपल कंप्लेन गुस्सा बताता है गुस्सा बताता है गुस्सा बहुत आता है, आता है वो इसलिए आता है कि कोई थॉट है जो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है अब पता नहीं है इतने थॉट्स चल रहे हैं पच्चीस तो यूट्यूब देखते हैं पचास तो शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे कोड जिसमें से शायद मुश्किल से एक पड़ा होता है क्योंकि शेयर करना तो फर्ज है ना राइट right? तो स्पैमिंग कौन करेगा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो राइट बट उसमें से एक भी कोड पढ़ के सोचें कि यार हम पे कितना इम्प्लीमेंट होता है तो पॉजिटिविटी आ जाएगी ठीक है तीसरी चीज़ जो अभी मेरे मुंह से निकली दैट्स द थर्ड थिंग दैट ऑथर सेड कि सबसे बड़ा सोल्यूशन है जिंदगी में थॉट्स को अच्छा करने के लिए और ये हम लोग एक लास्ट वन ऑफ द बुक्स में पढ़ चुके हैं कि ये चेक करते रहो लाइफ में कि ओके क्लोज योर आइज इस वक्त मैं कितना पॉजिटिव हूँ कितना नेगेटिव हूँ जो भी चल रहा है दिमाग में वेदर यूर टॉकिंग अबाउट कि मैं कोई संडे है फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ज़बरदस्ती जा रहा हूँ खुशी से जा रहा हूँ लास्ट टाइम मैं गया था देर बार बैड मेमोरीज या बहुत मज़ा आया था बट क्या हुआ था यू नो ऑलवेज सी के अगर नेगेटिव है उसको रिप्लेस करो पॉजिटिविटी से उसको ओवरकम करो पॉजिटिविटी से बिकॉज नेगेटिव मीटर हमने ये समझ लिया थॉट्स लीड्स टू एक्शन तो अगर फ्रेंड्स के पास या फैमिली के पास जाने से पहले दिमाग में ही नेगेटिविटी आ रही है कुछ पुरानी दफा की या कुछ ऐसे ही आ रही है बिकॉज कुछ लोगों की आदत भी होती है नेगेटिव राइट right? उनको मैस्ट्री हो जाती है नेगेटिव रहने में और तो ये कहता है उसको कट कॉपी पेस्ट करो पॉजिटिविटी से आपने पॉजिटिव थॉट डाल दिया ना तो मोस्ट लाइकली आप फ्रेंड्स और फैमिली के पास जागे तो इस दफा आपको मजा आएगा वाई बिकॉज आपने पॉजिटिव एनर्जी दी ना माइंड को कि नहीं यार मजा आने वाला है मजा आने वाला है मजा आने वाला है Fun. बहुत सारे काम में लोगों के करवा दूंगा बहुत सारे काम मेरे लोग करवा देंगे okay. लोग इस बात से अग्री करते हैं राइट right? बट आप जाओगे कितनी यार वहाँ वो भी आने वाला है वहाँ वो भी आने वाला है वो तो बड़ा मसला है यू you नो know, वो लेडी तो बहुत मसला है ऑल ऑफ योर लाइफिंग राइट यही जिंदगी के मसले हैं राइट right? तो उसको आपको पॉजिटिव करना है इस दफा आपको मेंटल सिग्नल देना है नहीं यार इस वक्त वो लेडी या जो भी प्रॉब्लम चाइल्ड है वो मेरी फेवर में होगा और आप देख लेना नाइनटी एट परसेंट ऑफ द टाइम वो आपकी फेवर में हो जाएगा इस दफ़ा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम हो जाएगा बट आपको अपनी ब्रेन में फीट करना है वॉच करना है हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना लिव इन द प्रेजेंट बिकॉज पास वॉट्स एंड फ्यूचर यू हैव कंट्रोल लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि प्रेजेंट में जीना कैसे तो प्रेजेंट में जीना ऐसा बुक बता रही है कि वेन यू आर गोइंग टू तो एनी सिचुएशन इसको लिख लो उस सिचुएशन को विजुअलाइज कर लो क्विकली और उसमें पॉजिटिविटी भर दो और इस वक्त आपका माइंड चेक भी हो जाएगा यू नो कि चल क्या दिमाग में जिस जगह पे जा रहा हूं उसके बारे में एक मिनट सोचा भी है नहीं नेगेटिविटी है तो उसको रिप्लेस कर दो राइट वैसे यू आर ट्राइंग टू स्टडी फॉर एग्जाम्स और आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आई लास्ट टाइम भी फेल हो गया था मेरे बस की तो बात यानी नेगेटिविटी है तो जब आप पढ़ोगे तो कुछ रॉकेट साइंस होगा नहीं आप जॉब पे जाओगे कुछ रॉकेट साइंस होगा नहीं आपने नया बिजनेस खोला है अंदर दिल में फियर है यू नो फियर के बारे में एक बहुत अच्छा कोर्ट है वाइज मैन से दैट फियर ईट पॉजिटिव एनर्जी फियर पॉजिटिव एनर्जी को खा जाता है यू you नो know? कुरान में एनर्जी you know, जिस, जिस पॉजिटिव को खा जाती है और नेगेटिव एनर्जी है क्या कि मैं फेल हो जाऊंगा मेरे से होगा नहीं यू नो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो आपको डराती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज होती है ठीक है तो रूल नंबर थ्री वॉज थिंग्स जेम्स एलन के मुझे पॉजिटिव रहना है। Okay. Now, let's see the point four. मजा आ रहा है कितने लोग कर रहे हैं ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग बुक है बिकॉज माइंड के बारे में बहुत कम बुक्स बात करती हैं राइट एंड दिस इज वन ऑफ द ऑथर्स जो देखो एक ऑथर होता है ना वो अपनी फिफ्टी सिक्स ईयर्स की एवरेज लाइफ पे एक बुक लिखता है मुश्किल से जाके या दो लिखता है और उसमें उसकी जितनी एक्सपर्टीज होती है ना वो पूरी डाल देता है तो जब हम उस बुक को पढ़ लेते हैं ना और हम उस पर डिबेट करते हैं तो हम उसकी सिक्सटी साल की मेहनत को सिक्सटी मिनट्स में पढ़ डालता है यस और नो तो लर्निंग बहुत पावरफुल है बट उसको हमें समअप करना है कि पूरी दो सौ पेज की बुक में से ये दो बात मेरे काम की थी इसको मुझे कहीं लिख लेना है दैट विल बी माई गो टू स्ट्रैटी के कल को मैं नेगेटिव होता हूँ तो मुझे ये हेल्प करे ठीक है चौथी चीज वो बता रहा है कि थॉट हेल्थ अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है

अपना ब्लड प्रेशर ग्लूकोज स्ट्रेस लेवल हार्ट बीट्स ये चेक करते रहना चाहिए कितने लोगों को पता है ये बात आज की तारीख में बहुत कॉमन है रेजियोह ठीक है हो सकता है 2030 तक अपने मेंटल थॉट्स को चेक करते रहना ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए आज नहीं है राइट लेकिन दिस इज अव नॉलेज साइंस ये बात ला रहा है कि आधी जो बीमारियां हो रही हैं आधा स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो है ड्यू टू द नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड और उसका आज की तारीख में कोई मीटर नहीं है कि बुम लगाए और, और या ऐप ने स्टोर ने बता दिया या, 67 नेगेटिव परसेंटेटिव हो सकता है एआई कल कुछ बना डाले यू नो कि आपको पता चल जाए माइंड में बट आज मैन्यूल है आज चाय खुद बनानी है कल हो सकता है इलेक्ट्रिक मीटर बना के दे दे राइट तो आज आपको साइलेंट होना है और जिस तरह आप बॉडी के वाइटल्स चेक करते हो ना वो ब्लड प्रेशर हाई है सॉल्ट कम लेना है डायबिटीज हाई है शुगर इंटेक कम करना है कार्ब कम करना है सबको सब बातें पता है जो मैं कर रहा हूँ कोई नई बात नहीं है give yourself back, सारे good. है 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 सारे ठीक के बारे में भी यही करना because mind is also the organ in body, right? और पूरी का 99 energy consume कौन करता करता कितनों को याद energy mind consume करता है. तो आपको भागने से उतनी थकावट नहीं होती है जितनी एक नेगेटिव थॉट से होती है इस बात को याद रखना ठीक है नाउ रिमेम्बर लास्ट टाइम हम लोग बहुत सारी बुक्स के कोट लेते हैं वी स्टडीड अबाउट एन एथलीट जो कि सोलह साल की थी एंड शी द फास्टेस्ट रनर बट उसकी लाइफ में स्ट्रेस आया और वो भागना तो छोड़ो उसने सोना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा एंड साइकोलॉजिस्ट ने उसको काउंसिल किया और पता चला कि उसके अंदर वो नेगेटिव थॉट और फियर किसी ने डाल दिया था उसके ओपोनेंट ने जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से अपने आप को इमेजिन करते हो खुद से ठीक है तो मेंटल थॉट मीटर बनाना चाहिए ठीक है ये न्यू कॉन्सेप्ट है ओके राइट इट डाउन मेंटल थॉट मीटर क्या है एक कॉन्सेप्ट दे रहा है और कह रहा है कि मैंने जितने भी अपने डिप्रेशन के पेशेंट्स या जितने भी लोग मैंने लिए हैं उसको मैंने एक बार जरूर देखी है कि वो लोग uh, is with my कोई या तो जान मुझ के कर रहा है या तो जो है वो, मेरी मिटा रहा है. Uh, uh, वो ये कह रहा है एटलीस्ट इफ यू कैन डू दैट इन डे और ठीक है अगर वंस अ डे करते हो बहुत अच्छा है कोई भी पांच मिनट देखे क्लोज टूअर आई से ब्रशिंग योर तीत अपने आप को मिरर में सुबह देख रहे हो एक किसी चीज़ के साथ सैंडविच कर दो एसोसिएट कर दो कि इस वक्त मैं अपनी थॉट को रीड करूंगा ठीक है तो शौकत बैग इस शीशे में इस ब्रशिंग उसको पता है कि यार उस वक्त मुझे अपने एयरपोर्ट नहीं लगाने बुक नहीं सुननी किसी और के बारे में देख मुझे उस वक्त चेक करना है दिमाग में चल गया रहा है ओके आज ये काम है ठीक है जाने वाला हूँ एनर्जी चेक क्या है पॉजिटिव है उस बारे में कि नेगेटिव है अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव थॉट को पकड़ के ट्रैश कैन में डाल के उसको पॉजिटिव थॉट देना है ताकि जो एक्शन निकले बॉडी से वो पॉजिटिव निकले करना है बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी कह रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे तो उनको जूम पे आना पड़ेगा और वीडियो ऑन करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग सिर्फ जूम पे इंटरक्टिविटी कर सकते हैं ठीक है ये जो लोग प्रेजेंट है जो लोग टाइप कर रहे हैं वो बहुत पुराने हैं दो साल से इस सेशन अटेंड कर रहे हैं हम लोग तो उनको पता है किस तरह होता है जो जो नए लोग हैं उनके लिए जैसे रिमाइंडर है तो ये जो आपने बोला ये एक सजेशन है पावर ऑफ पॉजिटिव पिक्चर का राइट right? कि आपने अपने आप को पॉजिटिविटी दी कि पॉजिटिव पर्सन वो जो काम पे जा रहे हैं बहुत पॉजिटिव होगा पीपल लव द पीपल अराउंड ठीक है तो लोग पसंद करते हैं इनको ये लोगों को पसंद करते हैं गुस्सा कभी नहीं है इज अ पीसफुल सोल लोग खुश रहते हैं आपने एक पॉजिटिव और क्रिएट किया जब भी आप गए बीबीसी के जितने भी होस्ट थे एक जमाने में एक उनके बारे में वन ऑफ द सक्सेसफुल फोर्स शेयर एंड एज बायोग्राफी की एक ट्रेनिंग कराई जाती थी और पावर चार्जिंग की और और पावर चार्जिंग क्या होता है मैनी नो कि इंसान की जो बॉडी है उसमें खुदा ने एक इनविजिबल और बनाया है जिसमें आज साइंस ने तरक्की की है कि उसके गिर्द फील्ड क्या चल रही है उसकी फोटोज भी आती हैं गो टू अमेजोन दस हज़ार डॉलर का कैमरा आता है वो आप फ़ोटो लेके बता सकते हो सेवन कलर्स नज़र आएंगे रेड कलर ज्यादा होगा यानी वो आदमी आज बहुत गुस्से में ग्रीन कलर ज्यादा होगा यानी वो स्पिरिचुअल मोड में येलो कलर ज्यादा होगा यानी वो लविंग मोड में राइट सो so, आज के जमाने में साइंस ये बता रहा है दस साल पहले से ये कैमराज हैं राइट साइकोलॉजिस्ट जो बहुत एक्सपेंसिव है उनको पता है और कैमराज क्या होते हैं तो और जो होता है ना इंसान को कोई काम करने में या अपना काम दूसरों से कराने में इसके ऊपर पूरे सेशंस होते हैं यू नो हाउ हाउ टू टू पीपल डू रेजोल्यूशन के लोग ये चीजें करते हैं तो आपने जो बात बोली शौकत भाई दैट्स अबाउट चार्जिंग योर क्या आपने अपने आप को सब लिमिनल मैसेज दिया शौकत भाई इज अ पॉजिटिव पर्सन आज मैं जो काम से जा रहा हूँ आई हैव द पावर टू डू इट एंड एवरी थिंग विल बी वेरी फाइन दस दफा बारह दफा बोल के क्या हुआ आपने नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर लिया तो जब नेगेटिव थॉट को आपने थॉट को पकड़ लिया ना जो आज हमारा बुक का टॉपिक है तो आपका एक्शन खुद ही सही हो गया क्या आज हमको ये बात समझ आ रही है इज ऑफ अस विद मी टुगेदर रेज योर हैंड्स ठीक है तो हमको ये समझ आ गया हम लोग अपने एक्शन पे काम कर रहे हैं एक्शन मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ठीक है कैसे सीखे ओके एक्शन मतलब हमारे वाइटल्स अच्छे हो जाए हमारा वेट लॉस हो जाए वी स्टार्ट लुकिंग गुड हमारे अंदर एनर्जी का प्रॉब्लम है एनर्जी ज्यादा हो हम जल्दी थक जाते हैं रिलेशनशिप्स हमारे दोस्त नहीं है हमें लोग पसंद नहीं करते हैं वर्क स्पेस में बिजनेस में इम्प्लॉय पसंद नहीं करते एम्प्लॉय बॉस को पसंद नहीं करता है ये सारे एक्शन हैं हम इसकी रेमेडी ढूंढते रहते हैं और हमें वो मिलती नहीं है बिट्स एंड बट हमें ये समझ नहीं आता कि रेमेडी इधर है भाई थॉट्स के अंदर है तो वो जो भी मसला चल रहा है उसकी थॉट को पकड़ लो ठीक है एंड समझो कोई प्रॉब्लम है बॉस और एम्प्लॉय का तो थॉट को रिप्लेस करने से मोस्ट लाइकली क्या होगा कि आप बैठ जाओगे अपने एम्प्लॉय के साथ या एम्प्लॉय बॉस के साथ बैठ जाएगा बोलेगा लेट्स टॉक ओवर द लंच और कॉफी और डिनर और मसला सॉल्व हो जाएगा बट एक्शन कहाँ से निकलेगा पॉजिटिविटी डालने से उस थॉट को पकड़ना है तो हम लोग आज एक स्टेप अहेड ऑफ गेम जा रहे हैं ये बुक लेट्स आई थिंक किसी का लाइफ का वर्क होता है जो हम पढ़ते हैं सो मेंटल थॉट मीटर बहुत ज़रूरी है वो ये कह रहा है कि आज के ज़माने में ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको थॉट मीटर बनाना है और उसकी फ्रीक्वेंसी अग्री करनी है कि मैं दिन में एक दफ़ा अपना माइंड मीटर चेक करूंगा या मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ दो दफ़ा चेक करूंगा हफ्ते में एक दफ़ा करूंगा महीने में एक दफ़ा चेक करूंगा या मैं उन लोगों की तरह साल में एक दफ़ा रेजोल्यूशन बनाऊंगा न्यू ईयर पे और वो दस दिन के अंदर हो जाएंगे और मुझे बारहवें दिन याद भी नहीं होगा कि रेजोलूशन थे क्या अगले साल थर्टी दिसंबर को वापस बनाऊंगा राइट ऑफ यू आर लाफिंग ऐसा ही होता है और फिर वो गोल्स विजन याद ही नहीं होते क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रिविजिट करने की साल में एक ही दफ़ा है ना तो जब साल में एक दफा गोल बने और उसी अगले साल में जाके सोचा अच्छा यार तो गोल भी याद नहीं होंगे भाई कि गोल क्या थे पिछले साल के राइट ओके लास्ट टॉक वो ये कहता है कि हम सबको लाइफ में जो है वो विजन एंड आइडियल्स चाहिए होते हैं ठीक है वो कहता है विजन हर आदमी के बस की बात नहीं है हर आदमी को समझ नहीं आता कि उसका सलूशन क्या है इसको कौन समझाएगा कभी कभार वी हैव टू द थिंग्स वो ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है लाइफ में क्या चाहिए कुछ को समझ नहीं आता कि पहुंचना कैसे राइट तो वो ये कहता है दिस इज वेयर यू नीड कॉल्ड ठीक है okay? और ये तमाम सक्सेसफुल लोगों को पता है राइट right? बहुत दफा लोग आज की तारीख में कंफ्यूज करते हैं मींस कि किसी ने यूनिवर्सिटी हाई स्कूल कर लिया नीड्स टू गेट इनटू अ जॉब लाइफ या बिजनेस आज की तारीख में सीईओ मेंटोर लेते हैं जो मिलियन डॉलर बना रहा है वो दस मिलियन डॉलर वाले को मेन्टोर लेता है दस मिलियन वाला सौ मिलियन वाले को लेता है सौ मिलियन वाला एक बिलियन वाले को लेता है और जो भी आपकी फील्ड है वेदर इज रिलीजन रिलीजन में होते हैं इकोनॉमिक्स में मेंटोर होते हैं स्पोर्ट्स में मेन्टोर होते हैं उसी तरह स्कूल में मेन्टोर्स होते हैं जब बच्चा करियर में निकलता है हमारा प्रॉब्लम है हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं हमको लगता है वी नो एवरी आंसर टू द प्रॉब्लम और हम स्पेशली देसीस को क्या लगता है अडे मेंटोर को पैसे खर्चा कौन करे यार किसी से पूछ लो फ्री में तो होता क्या है जिससे आप फ्री में पूछ रहे हो ना एडवाइस वो बिल्कुल ही फ्री आदमी होता है और वो आपका जो थॉट होता है ना उसको भी फ्री कर देता है राइट तो इमाम अलीज कॉल इज देर के मशवरा करने से पहले ये चेक कर लो जो मशवरा दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या है तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू ओपन अप अ बिजनेस और आप बोला मैं अपनी मम्मी से जाके पूछूंगा कि बिजनेस कैसे करना है ना मम्मी हैज नेवर डन बिजनेस इन हर लाइफ राइट आई डोंट नो इफ योर मदर इज एन हैं बट अगर वो क्वालिफाई नहीं करती या यू गो टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर जो फारिक बैठे हुए और भी फारिक वो दफा पूछते में to, right? तो यार फेल हो बोला ली थी हाँ लिया था एक दोस्त वो क्या कर रहा था छह साल से जॉबलेस था तो वो क्या मेंटोरशिप देगा वो खुद फारिक बैठा हुआ जिसने दो चार पांच बिजनेस क्रिएट किए एंड इन यूर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज आप आर्टिस्ट को जाके बैंक कैसे खोलना है पूछोगे तो उसको नहीं आएगा राइट right? तो जैसे नर्गिस अजीज इज वेरी गुड विद योगी एंड स्पिरिचुअल साइंसेज लास्ट टाइम स्लीप के ऊपर सेशन लिया था तो किसी को नींद का मसला है तो उनको जाके पकड़ो बट किसी को जाके एस्थेटिक्स या कॉस्मेटोलॉजी का पूछना है तो शनाज लोखंड वाला को जाके पूछो वैसे किसी को कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक का पूछना है तो शौकत भाई को जाके पूछो यू नो एवरी बडी इज एक्सपर्ट ऑन इट्स ओन नरगिस को जाके बैंकिंग कैसे करनी बोले तो नरगिस सर पकड़े पड़े गड़े बाप सो मेंटोर so, Is on their own field of जब भी सलाह लेनी चाहिए ना तो ये देख लेना चाहिए जो दे रहा है वो उस क्राइटेरिया पे है फिर पूछो राइट किसी भी टॉम डेरी को नहीं पूछो और बहुत दफा वो कह रहे हैं जब लाइफ में नहीं मिलते तो बुक्स आर देश कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं आज की तारीख में बुक यूट्यूब वीडियोज इनफ्लुंसर्स ठीक है आप वॉर बुफिट को पर्सनली नहीं मिल सकते

आपको योगा सीखना है यू नो आर ऑफ देस देर जो अपनी यूट्यूबिंग बनाते हैं लुक इन टू दैट लाइव स्ट्रीम देखो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आज की तारीख में नॉलेज का एक्सेस प्रॉब्लम नहीं रहा जैसे बीस साल पहले था जो प्रॉब्लम रहा है वो रहा है सबसे बड़ा थॉट मीटर जो मेरे ख्याल से जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात आज सीखी है ना वो है पॉइंट नंबर फाइव लिख लो उसको अपने थॉट्स को पढ़ते रहो कि मेरी सिचुएशन बस ये देखते हो एक मीटर है राइट पे ग्रीन है लेफ्ट पे रेड है देखो आज मीटर कितना ग्रीन है और अपने आप को रेट करो जैसे स्पीडो मीटर होता है ना इस तरफ टू हंड्रेड नेगेटिव है इस तरफ टू हंड्रेड पॉजिटिव है बोलो यार आज मैं हंड्रेड एंड टेन पॉजिटिव हूँ जबरदस्त कल एम करो वन थर्टी पॉजिटिव हो फिर दो सौ मीटर पे चलाओ गाड़ी राइट पॉजिटिव में लेकिन लगे यार आज टेन डिग्री नेगेटिव में जा रहा है साउथ वेस्ट पे जा रहा है तो सोचो कि यार ओके दस मिनट बैठ जाता हूँ अपने साथ कॉफी लेके क्लोज योर आइस और सोचो what's bothering me? और लाइफ एक्शन हो जाएंगे गुस्सा आना कम हो जाएगा लाइफ में एक पर्पस क्रिएट हो जाएगा इन द लास्ट थिंग वो ये कह रहा है कि ये सब चीज जो मैंने पढ़ाई है ना कह रहा है इसको जाके कचरे के डब्बे में दो, ट्रैश करना अगर तुम्हारे पास लाइफ में कोई पर्पस नहीं है है तो ये बहुत बात है। उसने कहा बहुत सारे लोग डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं जिस वजह से सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ डिप्रेशन आ रहा है आज यंगस्टर्स को फिफ्टी एट परसेंट डिप्रेशन है सीनियर्स को सेवेंटी थ्री परसेंट डिप्रेशन है एंड एवरेज नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ एशिया की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा बट ऐसी कोई स्टडीज नहीं मिलती और आज इन्फेंट्स को 61% डिप्रेशन है इन्फेंट्स को बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल रहा पेरेंट्स का लाइफ इज सो फास्ट मूविंग तो आप सीनियर्स बोलते हो यार हमारे बच्चे हमको टाइम नहीं देते तो बच्चे अपने माँ बाप को भी टाइम नहीं मिलता है बिकॉज लाइफ इज सो फास्ट मूविंग तो उसमें आज रुक के थॉट्स को रीड करने का दो मिनट लगते हैं बट टाइम नहीं है क्यों जूं, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है कल को प्रायोरिटी बन जाएगी तो टाइम खुद निकल आएगा कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज रेज्यूम्स तो वो ये कह रहा है कि जब भी कोई पर्पस होगा ना अदर देन लिविंग डे टू डे लाइफ तो लाइफ में फिर इंप्लीमेंटेशन का मजा आएगा राइट सो लेट्स क्लोज टूडे टॉक विथ दिस आई होप यू ऑल एंजॉयड थैंक यू वेरी मच